सब्सक्राइब कीजिए अजय मनी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए, जैसे कि यूट्यूब, ऑनलाइन न्यूज़, मेक मनी ऑनलाइन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और एक बार फिर आपका अजय मनी यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन, ऑल्टकॉइन और कुछ क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में, और लास्ट में आपको कॉइन बताऊंगा कुछ जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके कम से कम टाइम में पैसा कमा सकते हो। दोस्तों तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। पहले ये बायनेंस अकाउंट है, यहाँ पे मैं आपको लास्ट में तीन कॉइन सजेस्ट करूँगा जहाँ से आप यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दोस्तों तो चलिए हम बात करते हैं। तो अजय मनी यूट्यूब चैनल पे आने के बाद आपको करना क्या है, प्लेइंग लिस्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जैसे कि क्रिप्टो न्यूज़, बिटकॉइन, ऑल्टकॉइन ट्रेडिंग, कॉइन मार्केट कैप, ऑनलाइन सपोर्ट, यूट्यूब के रिलेटेड जो भी सीखना है यहाँ से आप सीख सकते हो। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। दोस्तों तो चलिए टाइम नहीं गवाते और शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन की हालत कुछ ठीक लग रहे हैं और अच्छा खासा, मतलब जो डाउन गया था तकरीबन 5,700 के आसपास डाउन चला गया था और वहाँ से आया है तकरीबन $1,000 ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छा है। और कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, मार्केट में चलते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप में आपको काफ़ी सारे कॉइन है जो टॉप 10 कॉइन, उसमें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी बाय करने की। अगर अभी बाय करके होल्ड पे रख दोगे, आप अभी बाय कर लो तकरीबन आधे बिटकॉइन का और होल्ड पे रख दो, उसको देखो ही मत, तो आप अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। अभी बहुत ही लो रेट पे आपको ये कॉइन मिलेंगे, टॉप 10 कॉइन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे आज डेट हुई है 25 अगस्त। ओके, और मार्केट काफ़ी ऊपर आ रहा है और तकरीबन टॉप 10 कॉइन में देखो तो आपको 3-4%, 1-2% से लेकर 3-4% कॉइन पड़े हैं। और इसमें अब यहाँ पे मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ये भी थोड़ा बहुत बड़ा है और 24,000 का वॉल्यूम भी बड़ा है, तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगा बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत। ओके, यहाँ पे दोस्तों बिटरेक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ग्रीन कॉइन मिलेंगे। देखिए हरियाली बहुत है। ओके, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉइन अभी ग्रीन पे चल रहे हैं। ओके, और ये कुछ कॉम्पेंडम वाले कॉइन लग रहे हैं, ह्यूमनिक और ये न्यूज। ओके, जो काफ़ी अच्छा पंप कर गए हैं, तो पंप एंड डंप में मत पड़िएगा। ओके, जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वहाँ से कमाइएगा। तो यहाँ पे बिटकॉइन भी मतलब 2% बढ़ा है, तो ऑल्टकॉइन भी साथ में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इथेरियम दिख रहा है 1.7% बढ़ा है। दोस्तों बिटरेक्स पे काफ़ी कॉइन ग्रीन दिख रहे हैं, मतलब मार्केट काफ़ी ग्रीन हो चुका है, मतलब मार्केट अच्छा हो चुका है। और आगे बात करेंगे हम क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में, तो चलिए चलते हैं क्रिप्टो न्यूज़ की साइट पे। तो बात करते हैं इथेरियम स्कैम के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक इथेरियम नाम का एक ऐप लॉन्च हुआ था प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ पे वो आपको बोल रहा था कि इसको इतने डॉलर में इंस्टॉल करो और आपको मिलेगा एक इथेरियम। तो यहाँ पे पूरा न्यूज़ है आपके सामने दोस्तों, देख सकते हो। ये एक इथेरियम नाम का एक एप्लीकेशन है जो लॉन्च हुआ था प्ले स्टोर पे। ओके, और यहाँ पे आपको शो हो रहा है तकरीबन 334 या 335 यूरो दिख रहे हैं, बट उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हो $388 यहाँ पे बोला गया है आप इतने डॉलर में इसको बाय कर सकते हो और उसके बाद आपको मिलेगा एक इथेरियम। तो मतलब काफ़ी सारे लोगों ने दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टॉल भी दिख रहे हैं, 100+, यहाँ पे क्या होता है 500 हो जाता है तो 500+ दिखता है, 1000 हो जाता है तो 1000+ दिखता है। तो मतलब तकरीबन जब तक ये 500 नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर 500 शो नहीं होगा, मतलब तकरीबन यहाँ पे शो तो हो रहा है 100, बट यहाँ पे होंगे काफ़ी ज़्यादा, 200 भी हो सकते हैं या तो 400 या तकरीबन 450 के आसपास लोग हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल किया है और यहाँ पे अपना पैसा है जो वो गवाया है। दोस्तों यहाँ पे गूगल को पता चला, गूगल प्ले स्टोर को पता चला, उससे पहले इन लोगों ने ये स्कैम कर दिया है। और जब तक गूगल को पता चला तब तक तो इनका मतलब जो जाल था वो कामयाब हो चुका था और लोग इसमें फंस चुके थे और यहाँ से इन्होंने पैसा स्कैम किया था दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे इथेरियम स्कैम ऐप था, आशा करता हूँ कि आपने भी बाय नहीं किया होगा और आप इस स्कैम से बच गए होंगे दोस्तों।
तो दोस्तों प्ले स्टोर पे भी ऐसी ऐप कभी ना कभी आ जाती है, तो यहाँ से सावधान रहे। ओके, और हमारा मकसद यही है कि आपको सावधान करना कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हजार बार सोचे। ओके, यहाँ पे स्कैम ICO भी काफी सारे आते हैं, तो ICO में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उसका रिसर्च कर लीजिए, उसका प्लान देख लीजिए, उसके बाद ही उतना ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दोस्तों। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की तरफ से यहाँ पे एक न्यूज आ रहा है कि वो लोग शिपमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। दोस्तों ये काफी सिक्योर है दोस्तों, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर से बनी हुई टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एक ही साथ अगर उसको हैक करना चाहते हैं बंदे, कोई भी मतलब हैकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना चाहता है या बिटकॉइन को हैक करना चाहता है, तो उसको एक ही साथ हजारों लाखों कंप्यूटर को हैक करना होगा और वो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है एकदम सिक्योर है। तो यहाँ पे US कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ शिपमेंट में ये यूज होने वाली है। ओके, तो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट शायद लॉन्च कर दिया है, तो उसके बारे में एक न्यूज़ थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है शायद बिट कनेक्ट कैम करने वाले बंदे को दोस्तों, और वो शायद सूरत से किया है। यहाँ पे शायद नाम लिखा हुआ था बट मैंने पूरा देखा नहीं। हाँ, यहाँ पे सूरत से ही, गुजरात के सूरत से एक बंदे को गिरफ्तार किया है जो बिट कनेक्ट में, मतलब ये जो बिट कनेक्ट स्कैम हुआ था उसमें बड़ा उसका हाथ था, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है दोस्तों। ओके, तो चले इंडिया की पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया कि एक स्कैमर को अरेस्ट किया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी, दोस्तों ये बिट कनेक्ट था ना, वो भी एक स्कैम था और हम भी स्कैम से मतलब बच गए हैं और हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद कुछ न्यूज़ देखते हैं, अगर सही लगता है तब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। ओके, तो क्राइम ब्रांच ने बिट कनेक्ट के एक जो बड़ा फ्रॉड कर रहे थे, स्पॉन्जी स्कीम चला रहे थे और उसमें एक बड़ा उसका हाथ था, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सूरत सिटी से उसको अरेस्ट कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, ब्लॉकचेन बॉन्ड एक्सपेरिमेंट में दोस्तों $81 मिलियन यहाँ पे वो लोग रेस करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इतना वो लोग रेस करने वाले हैं, इतना जो उनका प्रयोग होने वाला है उसमें यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने और मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना वर्ल्ड बैंक यूज़ करने वाला है दोस्तों। अगला न्यूज़ ये आ रहा है कि रिपोर्ट ओवर $2 मिलियन लॉस्ट ऑफ क्रिप्टो स्कैम इन सेकंड क्वार्टर ऑफ 2018। दोस्तों 2018 में $2 मिलियन का लॉस हुआ है क्रिप्टो फॉर्म में दोस्तों। दोस्तों क्रिप्टो फॉर्म में मतलब आपने बिना सोचे समझे ICO में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, फ्रॉड ICO में, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना था और वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है दोस्तों। तो वहाँ पे आपका मतलब पैसा स्कैम हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे फिशिंग आती है, तो जहाँ पे हैकर लोग फिशिंग वेबसाइट को यूज़ करके वहाँ पे आपका जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं और आपका ID पासवर्ड वो सब कुछ मतलब आपका अकाउंट का डिटेल वहाँ पे लेने के बाद आपके अकाउंट को हैक करते हैं और वहाँ से आपका पैसा जो चुरा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ICO में आपको इन्वेस्टमेंट करना है बट बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना है और वही ICO में इन्वेस्टमेंट करना है जो जेन्युइन ICO होते हैं दोस्तों। यहाँ पे हजारों ICO डेली लॉन्च होते हैं और हजारों ICO बंद होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ICO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप यहाँ पे पूरा का पूरा इनका स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही ICO में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए दोस्तों। और तकरीबन 58,000 यहाँ पे यूज़र है जो यहाँ पे फिशिंग ट्रैप में फंस चुके हैं दोस्तों। ओके, तो आप भी कहीं फिशिंग मतलब जो ईमेल आते होंगे आपको, ओके, तो यहाँ पे फिशिंग ट्रैप क्या होता है, वेबसाइट आती है उनका ईमेल आता है, ओके, मतलब रूबरू ब्लॉकचेन का ईमेल आपको भेजते हैं और वहाँ पे आपको क्लिक करवाते हैं और तो आपका सारा डाटा वहाँ पे उनके पास चला जाता है। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि ये ईमेल गलत है, ओके, तो उसको क्लिक ही मत कीजिए, तुरंत ही डिलीट कर दीजिए। ओके, तो ज़्यादातर ये ईमेल से स्कैम होता है जो फिशिंग का होता है और वेबसाइट भी होती है। तो वेबसाइट मतलब तुरंत ही गूगल क्रोम में आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है, अगर उस पॉपअप में आप कहीं पे भी क्लिक कर देते हो तो वो फिशिंग साइट पे आप चले जाते हो और वहाँ पे अपना डाटा आप डालते हो तो चला जाता है स्कैमर के पास दोस्तों। तो ये फिशिंग से बच के रहिए। ओके,
और दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा बाइनेंस पे तीन कॉइन जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए चलते हैं बाइनेंस पे, और सॉरी बाइनेंस पे तो हम पहले ही आ चुके हैं, तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे एक्सचेंज पे जाना है और बेसिक पे जाना है। तो यहाँ पे बेसिक पे आने के बाद सबसे पहला कॉइन मैं आपको सजेस्ट करूँगा CBC कॉइन। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये तकरीबन 1750 पे आने के बाद आपको इसको बाय कर लेना है, थोड़ा नीचे आएगा तब। ओके दोस्तों आपको CVC कॉइन को तकरीबन बाय करना है 1750 के आसपास। ओके अभी 1850 चल रहा है, आप जब चाहो 1750 या 1850 के बीच में भी बाय कर सकते हो दोस्तों। इसको सेल करना है आपको 1910 पे, हमारा फर्स्ट टारगेट है 1910। ओके उसके बाद ओके दोस्तों तो CVC कॉइन को आपको पहले तो जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो 1910 होगा, और उसके बाद होगा तकरीबन 2050 सतोसी के आसपास या 2060 सतोसी के आसपास, और जो लास्ट में 2200 सतोसी। ओके 1750 में बाय करो और 2200 सतोसी तक ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। तो ये था पहला कॉइन। और दोस्तों दूसरे कॉइन के बारे में बात करें तो वो है एंड कैश कॉइन। तो यहाँ पे वो दिख रहा है तकरीबन 88 सतोसी, यहाँ पे दोस्तों वन डे में दिखा रहा है। चलिए मैं हावर में कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा सा शो होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बिड लगा देना है तकरीबन 85 के आसपास। ओके 85 पे आपको एक बिड लगा देना है, और एंड कैश का फर्स्ट टारगेट होगा दोस्तों तकरीबन, थोड़ा नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा, कि नीचे क्यों नहीं आ रहा, चलिए वन डे में करना पड़ेगा। ओके दोस्तों तो ये अभी तकरीबन फर्स्ट टारगेट आपका होगा 95। ओके 95 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, आपको बाय करना है 85 पे, अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बन जाएगा। और जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका होगा 110। ओके समझ लीजिए 110 पे आएगा दूसरा टारगेट होगा वो आपका 85 पे। मतलब यहाँ पे आपको तीनों को तीन टारगेट पे रुक जाना, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर 95 पे आ जाता है तो निकलना है तो आप निकल सकते हो, बट दूसरा जो टारगेट है वो 110 का होगा। ओके और लास्ट में जो तीसरा टारगेट है वो तकरीबन 125 का है दोस्तों। ओके तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, बाकी आपको ट्रेड करना है इस वीक में। यहाँ पे इस वीक के जो तीन कॉइन थे उसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो दूसरा कॉइन है एंड कैश। ओके अगर आपको यहाँ पे पता चल नहीं रहा तो आगे पीछे करके इस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए मैं इनको हावर में कर देता हूँ, और यहाँ पे तीसरा कॉइन है IOST। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, 200 तकरीबन 214 सतोसी अभी चल रहा है दोस्तों। वो दोस्तों आपको बिड लगाना है तकरीबन 210 से नीचे। ओके 210 से नीचे कहीं भी आप बिड लगा सकते हो, चाहे आप लगाओ 200 पे, 203 पे, 205 पे, 207 पे, मतलब तकरीबन 210 से नीचे आपको लगाना है। ओके और IOST का टारगेट होगा तकरीबन 230 के आसपास दोस्तों। ओके यहाँ पे देखिए 230 पे आपको इसको सेल करना है। ओके ये आपका फर्स्ट टारगेट है, और दूसरा जो टारगेट है वो है 245 ही। ओके IOST का दूसरा जो टारगेट है वो 245 है, और लास्ट में जो सबसे बड़ा तीसरा टारगेट है वो हमारा 260 है। ओके दोस्तों तो ये जो तीन कॉइन थे CBC कॉइन, एनकेश और IOST, तो ये कॉइन आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। यहाँ पे थोड़ा रिसर्च करो और अगर अच्छे लगे तो बाय करो दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।